तो हे गाइस, मैं हूँ के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड कंप्यूटर अड्डा। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, यदि आप अपना जो फिंगरप्रिंट्स है फ्रेंड, उसका डुप्लीकेट या नकली फिंगरप्रिंट्स आप अपना बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ए टू जेड प्रोसेस दिखाऊंगा मैं फ्रेंड, कि किस तरीके से जो है कि आप अपना नकली जो फिंगरप्रिंट्स है फ्रेंड वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और साथ में इसका बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, इस टाइप का जो फिंगरप्रिंट्स आप बना सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड, ये टोटली आपका जो एनाबॉन्ड की जो पेस्ट होता है फ्रेंड, उसके थ्रू बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस फिंगरप्रिंट्स को बनाना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप इस फिंगरप्रिंट्स को किसी गलत पर्पज़ से आप मत बनाइएगा, ठीक है। आपका यदि कोई शॉप है, आप जैसे सी एस सी सेंटर चलाते हैं, जैसे मैं सी एस सी सेंटर वगैरह चलाता हूँ, तो मुझे शॉप से बाहर काम करना पड़ता है, ठीक है। कहीं तो मेरे जो एम्प्लॉई हैं वो मेरे फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करके यहाँ ऑथेंटिकेट का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका भी ऐसा कुछ केस है तभी आप अपना फिंगरप्रिंट्स बनाए, अदरवाइज आप इसका यूज़ नहीं करें, ठीक है। तो इसका जो भी यूज़ करेंगे आप, लीगल यूज़ करेंगे, कोई भी इलीगल यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। आप अपने लिए ज़रूर बना सकते हैं, किसी दूसरे के फिंगरप्रिंट्स आप नहीं बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको इसका सही काम करना है। आप अपना सेंटर चलाते हैं तो यहाँ पर यदि आपको अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, कहीं बाहर आप जॉब करते हैं, तो साथ में जो आपके सेंटर में ऑनर जो भी इम्प्लॉय बैठे हैं वो आपके फिंगर का यूज़ करके आपका ऑथेंटिकेट का काम कर सकते हैं। या फिर इन द केस यदि आपका फिंगरप्रिंट्स ठंडी के दिनों में नहीं यूज़ होता, नहीं लगता, कहीं पर आप यदि यूज़ कर रहे हैं तो आपका फिंगरप्रिंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए आप अपना जो फिंगरप्रिंट्स है वो ईजिली तरीके से बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ आप अपनी इंडिविजुअली के लिए यूज़ करें, ना कि किसी अदर के लिए फ्रेंड। तो एक टोटली इलीगल होता है, ठीक है, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इसका कुछ गलत यूज़ करेंगे तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो आप इसका सही यूज़ कीजिए, अपने लिए यूज़ कीजिए, ताकि आपका काम बेटर से बेटर हो सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस टाइप का फिंगरप्रिंट्स आपको दिखाई दे रहा है, इसी टाइप का फिंगरप्रिंट आपके पास बनने वाला है, ठीक है। तो स्टेप टू स्टेप मैं सब कुछ बता रहा हूँ, तो आप देखते जाइएगा, इसी के हिसाब से आपको काम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड, किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको ग्लू गन की जरूरत पड़ेगी, देख सकते हैं फ्रेंड, एक ग्लू गन आपको मार्केट में मिल जाएगा 200 रुपये में, अब ये आपका ग्लू हो गया, ठीक है। और आपको इस तरीके का कार्टून चाहिए फ्रेंड, देख सकते हैं, जो कि किसी भी किराना स्टोर्स वगैरह में मिल जाएगा, इस तरीके का आपको कार्टून चाहिए। और साथ में फ्रेंड, इस टाइप का जो कटिंग जो पेज होता है, टाइट पेज होता है, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक कॉटन का कपड़ा होना चाहिए और यहाँ पास फ्रेंड नारियल का तेल होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पास, ठीक है। इसी टाइप का आपकी चीज़, ये जो ग्लू गन है फ्रेंड, आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, दूसरा स्टेप आप देख लीजिए यहाँ पास। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पास जो है कि आपको सिंपली तरीके इस तरीके से कार्टून को रख लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप्स में स्टेप तो आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और देख सकते हैं फ्रेंड, मैं इसे जो लाइट के साथ यहाँ प्लग इन कर दिया हूँ और ग्लू गन यहाँ से गर्म हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए फ्रेंड आपके पास एक एनाबॉन्ड का क्रीम भी होना चाहिए जो उसके ऊपर पेस्ट होगा, तो एनाबॉन्ड की क्रीम भी आप ऑर्डर कर लीजिएगा। ये एनाबॉन्ड की क्रीम जो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या तो फिर आपको आपके बगल में या फिर आपके मार्केट में जो आपके गाड़ी रिपेयरिंग के दुकान होते हैं, बाइक रिपेयरिंग, कार रिपेयरिंग, वहाँ आपको क्रीम मिल जाएगी, क्योंकि उस क्रीम से इंजन को जाम किया जाता है, ठीक है। इंजन वगैरह खुलता है, उसको जाम किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ग्लू गन गर्म हो चुका है फ्रेंड, जैसे ग्लू गन आप इंटर करेंगे तो गर्म हो जाएगा कुछ देर में, और यहाँ से ग्लू गन लिक्विड के फॉर्म में आना चालू हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसके बाद देख लीजिए फ्रेंड आप, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ग्लू गन को आप सिंपली तरीके से इस कार्टून पे गिरा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर देख सकते हैं गिराया है मेरे फ्रेंड, ग्लू गन जो निकलेगा उसको आप सिंपली तरीके से इस तरीके से आप गिरा दीजिएगा, ठीक है, इसमें आपके कार्टून के अंदर। और जब ये कार्टून के अंदर गिर जाएगा फ्रेंड, तो आपको सिंपली तरीके से इस आकार में आपको थोड़ा सा इस जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो आपका ये पेपर दिख रहा होगा, टाइट पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। जैसे आप प्रेस करेंगे फ्रेंड, तो ये देखिए अंगूठे का एक निशान टाइप से आपका बन जाएगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ निशान बना हुआ है, अभी फिलहाल ये गर्म रहेगा, और गर्म रहने के बाद फ्रेंड जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो एक अंगूठे के साइज में जैसे ये बनेगा, उसके बाद देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है। यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं, मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स को उस पर ऐड कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं फिंगरप्रिंट्स का आपका छाप यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसे आप फिंगरप्रिंट का छाप यहाँ पर देंगे फ्रेंड, उसके बाद देखिए करीबन 20 सेकेंड तक आपको उसके ऊपर रखना पड़ेगा, थोड़ा गर्म रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, गर्म रहेगा। गर्म रहने के बाद फ्रेंड उसको ज़्यादा आपको मूव नहीं करना है, ठीक है।
जैसे 20 सेकंड रखने के बाद फ्रेंड आप धीरे धीरे आप अपने फिंगर को, जो आपका फिंगर रहेगा उसको थील का सा आप उठा सकते हैं, ठीक है। उठाएंगे तो देखिए फ्रेंड यहाँ पास आपका, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पास आपका फिंगर जो है यहाँ पास प्रिंट हो गया है, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास देखिए, ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, इसे थोड़ा सा सूखने देना है। सूखने देने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, स्टेप टू स्टेप मैं बताते चल रहा हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पास सिंपली तरीके से आपका फिंगर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आपके फिंगर के जितने भी यहाँ पास जो पॉइंट हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो आपके फिंगर का जो एक प्रकार का जो नक्शा होता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब ये अभी जो है आपका फ्रेंड एक ग्लू गन का ही पेस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी ये टोटल ठंडा हो जाएगा, इसके बाद ये टाइट हो जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फ्रेंड अब क्या करना है, अब क्या करना है, जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्रेंड जो नारियल का तेल आपने रखा हुआ है उसको आप इसके ऊपर हल्का हल्का सा रख दीजिएगा, ठीक है। चारों साइड आप बिखा दीजिएगा इसको नारियल के तेल को, क्योंकि इसके ऊपर हम अभी एनाबोन का क्रीम यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, इसमें हल्का हल्का जो नारियल का तेल है उसको हल्का हल्का चारों साइड आपको उंगली से ऐसे करके हल्का हल्का करके आपको यहाँ पास उसके ऊपर आगे कर देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड कुछ टाइम बाद आपको क्या करना है, मैं सिंपली तरीके से बताऊंगा, यहाँ पास आगे करूंगा स्टेप को। जैसे आपका कुछ टाइम बाद तेल यूज हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड, जैसे चमक आ जाएगी उसमें, फिर आपको क्या करना है, कॉटन का कपड़ा लेना है। कॉटन के कपड़ा में हल्का हल्का इसको क्या करना है, आपको साफ कर देना है, मतलब कॉटन कपड़ा रख को कॉटन कपड़ा को इसके ऊपर रख के हल्का सा आपको प्रेस करना है, जिससे कि जो आपका जो आप देख सकते हैं जो फिंगर का आपका जो जो आपका यहाँ जो नक्शा बना हुआ है उसके अंदर जो ऑयल वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे जी तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड क्या करना है आपको, सिंपली तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड इसी क्रीम को आप यूज़ कीजिएगा, देख सकते हैं एनाबोन 60 मैक्स, ठीक है। ये बताया मैंने आपको, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो और मार्केट में भी जाके इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो। देख सकते हैं ऑटोमोटिव RTV सिलिकॉन कैस्केडिंग मैकर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से फ्रेंड इस क्रीम को ले लीजिएगा, ये 100-150 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड इस क्रीम को आप सिंपली तरीके से यूज़ कीजिएगा, देख सकते हैं फ्रेंड क्रीम को मैंने यहाँ पास रख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पास फ्रेंड देख सकते हैं जो कार्टून का जो पेपर पड़ा हुआ है, इसे मैं क्या करूँगा, इसे चारों साइड में इसे बिखेर दूंगा, चारों साइड, मतलब थोड़ा मोटा बना के रखिएगा फ्रेंड, ताकि आपका फिंगरप्रिंट्स ईजी हो और बहुत लंबे समय तक चले आपका, ठीक है। तो आप इसको चारों साइड आप क्या कीजिएगा, बिखेर दीजिएगा, ठीक है। बिखेरने के बाद देखिएगा फ्रेंड क्या करना है आपको, ये वाला जो कार्टून दिख रहा है इससे आपको पूरी तरीके से, जब आप इसको पूरे साइड कर लेंगे मोटे में, ठीक है, उसको जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए पूरे कवर में आ जाएगा, पूरे के पूरे कवर में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड मैंने प्रेस कर दिया है और ये देखिए पूरे के पूरे कवर में आ चुका है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पास, ठीक है। अब फ्रेंड आपको क्या करना है, सिंपली तरीके से जब ये प्रेस हो जाएगा तो इसको क्या करना है, 24 घंटा आपको सुखा के रख देना है धूप के अंदर, ठीक है। धूप में जब आप 24 घंटा सुखा देंगे फ्रेंड, 24 घंटा बाद आप सुखा देंगे तो देखिएगा फ्रेंड 24 घंटे बाद पूरी तरीके से सूख जाएगा और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर टोटली ये सूख जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, जब आप 24 घंटा इसको सुखा लेंगे, इसके बाद देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, इसको सिंपली तरीके से यहाँ से आप पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। इसको पूरी तरीके से आप यहाँ पर से निकाल लेंगे जब ये 24 घंटा सूख जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं जो आपकी यहाँ लाइनिंग बनी होगी ना फ्रेंड, ये लाइनिंग से आपको धीरे धीरे उछाड़ते चलना है इसको। जैसे आप धीरे धीरे एक साइड से आप उछाड़ेंगे तो फिर ऑटोमेटिक ही पूरा आपका निकल के बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि आपका फिंगरप्रिंट्स आपका यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको कटिंग बना हुआ है फ्रेंड, इस कटिंग से आपका फिंगरप्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली तरीके से एक साइड पर रखना है और उसके बाद अब इजिली तरीके से निकलता है, कोई टूटने फूटने का चांस नहीं है। और आपको सिंपली तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी टाइप का फिंगरप्रिंट्स आपका बन जाएगा। और इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो फ्रेंड, आप अपने सेंटर में चला रहे हो, जैसे CSC सेंटर चला रहे हो तो वहाँ पास आप ऑथेंटिकेट के काम पे आप यूज कर सकते हो। यदि आप अपने सेंटर पे नहीं बैठते हो तो आपके इम्प्लॉय सिंपली तरीके से इस फिंगरप्रिंट का यूज करके आपका काम वहाँ कर सकते हैं। आपके घर में कोई रिश्तेदार है वो भी इससे इजी तरीके से यूज करके आपके, जैसे कि आधार ऑथेंटिकेशन का काम है, आयुष्मान का है, या फिर आप कोई भी अपना जैसे अटेंडेंस सीट वगैरह का काम करते हैं, आपका फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा है, तो आप सिंपली तरीके से अपना इस फिंगरप्रिंट का यूज करके आप अपना काम बना सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड इसी तरीके से फिंगरप्रिंट आपका बन के आएगा। मैंने काफ़ी फिंगरप्रिंट अपने लिए बना के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे कहीं बाहर काम करना रहता है तो यहाँ पर सिंपली तरीके से जो मेरा सेंटर है यहाँ पर लोग काम करते हैं, इसके वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ बना के रखी हुई है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसको आप ऑथेंटिकेट करके देखिएगा, इजी तरीके से ऑथेंटिकेट होता है फ्रेंड। और फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर ज़्यादा लाइक्स देंगे तो मैं आपको इसका जो लाइव वर्जन है मैं आपको बना के दूंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरीकों से मैं बताऊंगा फ्रेंड कि और कौन कौन सी चीज़ें से आप बना सकते हैं। तो आप यदि सब चीज़ वीडियो देखना चाहते हैं, इसका लाइव डेमो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। फ्रेंड इसी इंटरेस्टेड वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।